हेलो फ्रेंड्स, आज हम फोटोशॉप CS5 में ग्रेडिएंट एंड पेंट बकेट टूल सीखेंगे। सबसे पहले फाइल पे क्लिक कीजिए, न्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे पेज को नेम देके सेव कीजिए। जैसे हम यहाँ पे नेम दे रहे हैं, अभी पेज की साइज आपको जो रखनी है आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे हमने यहाँ से पेज की साइज सिलेक्ट की, ओके दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ब्लैंक पेज मिल गया है। अभी हम टूल बॉक्स में से ग्रेडिएंट टूल लेंगे। ग्रेडिएंट टूल पे क्लिक करते ही ऊपर प्रॉपर्टी बार में आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर इफेक्ट्स दी हुई हैं। आपको जो भी कलर इफेक्ट्स अप्लाई करनी है आप कलर सिलेक्ट करके अप्लाई कीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर इफेक्ट्स दी हुई है, हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। आपको जो भी पसंद है आप उसको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको पैटर्न्स दी हुई है कि आपने जो कलर इफेक्ट सिलेक्ट किया उसको डिफरेंट पैटर्न्स में आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको 5 पैटर्न्स दिए हैं। आपको जो भी पैटर्न में आपको अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हो सीधा ही। अगर आपको ग्रेडिएंट खुद बनाना है तो ग्रेडिएंट पैनल में एक क्लिक कीजिए, आपके सामने इस तरह का एक बॉक्स खुल जाएगा। अगर आपको यहाँ से एरो रिमूव करने हैं तो डाउन की साइड ड्रैग कर दोगे तो निकल जाएगा। अगर आपको कलर्स चेंज करने हैं आप लेफ्ट राइट मूव करके आप चेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे हम जैसे मूव कर रहे हैं वहां से कलर चेंज हो रहा है। अगर आपको कोई एरो ऐड करना है सिंगल क्लिक करिए, एरो ऐड हो जाएगा। उस पर डबल क्लिक करके कलर प्लेट खुल जाएगी। आपको जो भी कलर सिलेक्ट करना है आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमने जो पैटर्न बनाई है ओके दो। आप देख सकते हो यहाँ पे वो पैटर्न आ गई है। आपको वो पैटर्न अप्लाई करनी है तो आप अप्लाई कर सकते हो सीधा ही, आपको जिस तरह से जिस स्टाइल में चाहिए उस स्टाइल में। अभी हम नेक्स्ट टूल सीखेंगे पेंट बकेट। उसके लिए फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, नया पेज लेंगे। यहाँ से आपको नए पेज को जो भी नेम देना है नेम दीजिए, ओके दीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे नया पेज आ गया है। अभी हम सिलेक्ट करेंगे पेंट बकेट टूल। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिए हैं, फोरग्राउंड एंड पैटर्न। हम फोरग्राउंड सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको बॉटम में कलर बॉक्स में कलर्स दिए हुए हैं, आप उस पर क्लिक करोगे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं। कलर पिकर बॉक्स है, आपको जो भी कलर सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करके ओके दीजिए। अभी आप कलर फिल कीजिए, आप देख सकते हो कलर फिल हो गया। अगर आपको कलर चेंज करना है अगेन कलर पिकर बॉक्स खोलिए, जो भी कलर सिलेक्ट करना है करिए। ये हो गया फोरग्राउंड। अभी नेक्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे पैटर्न। पैटर्न में आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स दी हुई हैं, आपको जो भी पैटर्न सिलेक्ट करनी है सिलेक्ट कीजिए और अप्लाई कीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे पैटर्न अप्लाई हो गई है। अगर आपको पैटर्न चेंज करनी है तो कंट्रोल अल्टर जेड देना रहेगा और उसके बाद नई पैटर्न सिलेक्ट करके अप्लाई करना रहेगा। इस तरह से अप्लाई होगी। थैंक यू।